हेलो बच्चों, नमस्कार प्रणाम। आप सभी का आपके अपने चैनल रमोसर बायोलॉजी में स्वागत है। आ जाइए, जुड़ जाइए। कहाँ कहाँ हैं? नफीस फातिमा प्रणाम, टेकी चैनल प्रणाम, अजीत गुड इवनिंग। ब्राय फाइटा का दो एग्जांपल, सर ब्राय फाइटा का हो गया, मॉस हो गया, उसके बाद रिक्सिया हो गया, फ्यूनेरिया हो गया, स्फेग्नम हो गया, ये ब्राय फाइटो का एग्जाम्पल हो गए। गितेश कुमार प्रणाम, अंजना कुमारी गुड इवनिंग। चलिए तब बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये आपको बायोलॉजी डिजीज बीमारी पार्ट टू, ठीक है? आइए जुड़िए। आप पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन कहाँ? आपके स्क्रीन पर। चलिए आंसर कीजिए। कथन है, एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। एड्स जब एचआईवी होता है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स, तो इसके विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली यानी एंटीबॉडी को यह डिस्टर्ब करता है। किसको एंटीबॉडी को डिस्टर्ब करता है? एड्स में टी लिम्फोसाइट प्रोटिया, ये लिम्फोसाइट जो होता है लिम्फोसाइट, तो इसमें होता है एक टी लिम्फोसाइट होता है और एक होता है बी लिम्फोसाइट। तो इसमें क्या होता है, टी लिम्फोसाइट नष्ट हो जाते हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, आंसर करो। तरीके अभी क्वेश्चन हम पढ़वे नहीं किए। साहुल कुमार गुड इवनिंग। सब आंसर एकदम भटाभट देने लगा। मनीषा कुमारी गुड इवनिंग। अंजना, एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित होता है, सही है, और यह टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्लियर। और इसमें एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म, और एड्स की उत्पत्ति जो हुई है ये अफ्रीका से हुई है, दक्षिण अफ्रीका से। वहां के लोगों ने बंदरों से सेक्सुअल संबंध स्थापित किया और वहां से यह जीवों में मनुष्यों में आया। और यह जो है, जब तक ब्लड का कंटेक्ट नहीं होगा तब तक एचआईवी यानी एड्स नहीं हो सकता, ठीक है। अगला, एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है? उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, आप फुल फॉर्म करो। जल्दी से इसका फुल फॉर्म कीजिए। साहुल कुमार आंसर फिर करेक्ट करो, पूरा आंसर पढ़ो, पहले आराम से पढ़ो, हड़बड़ा के जवाब दीजिएगा काम हो जाएगा गड़बड़। समझ गया? क्वेश्चन साहुल किया, एक्वायर्ड इम्यून डिफॉर्मिटी सिंड्रोम, डिफॉर्मिटी थोड़े होता, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ देखो इम्यून दिया हुआ है, ये नहीं होगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये सी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है, क्लियर। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ध्यान से देखेंगे। एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? किस रोग में एलिजा टेस्ट किया जाता है? एलिजा टेस्ट किस रोग में किया जाता है? आंसर करते जाओ। एलिजा टेस्ट या एलिसा टेस्ट किस रोग का टेस्ट है, परीक्षण है? लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए और शेयर करते जाइए। तो आपको एड्स का टेस्ट है, और इसके अलावा एक और होता है रीपा टेस्ट, रीपा टेस्ट, उसके बाद होता है वेस्टर्न, वेस्टर्न
ब्लड टेस्ट वेस्टर्न ब्लड टेस्ट क्या होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट ठीक है रिपा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट से भी एड्स का जानकारी होता टाइफाइड के लिए क्या होता है बिडाल टेस्ट मधुमेह का तो मधुमेह से क्षय रोग का तो अलग ही टीबी के पहचान के लिए अलग ही टेस्ट होता है तो टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट होता है ठीक है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इबोला वायरस का नाम लिया गया है बताओ इबोला कहाँ से लिया गया है शहर प्रांत नदी पर्वत पठार कहाँ से आंसर करो पंकज कुमार प्रणाम चलो आंसर करते जाओ भाई इबोला जो है ये आपको ये कांगो में एक नदी है नदी और उसी के पास ये गांव है और वहीं गांव से इबोला वायरस की उत्पत्ति हुई यह एक दूसरे के संक्रमण से फैलता है काफ़ी तेज बुखार सरदर्द होता है ठीक है और ये इबोला वायरस की उत्पत्ति जो है 1976 ईस्वी में हुआ था कांगो जो है अफ्रीका महादेश का देश है ठीक है तो एक नदी के नाम पर इबोला नदी है कांगो में कहाँ पर कांगो कांगो रिपब्लिक गणराज्य ऑफ कांगो ये देश है और वहाँ पर ये नदी है और उसी नदी वहाँ पर एक गांव है नदी के किनारे और वहीं से ये वायरस की उत्पत्ति हुई इसलिए ये इबोला नाम दिया गया ठीक है निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है कौन सा वायरस बर्ड फ्लू से होता है आंसर कीजिए बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है गीतेश तू फिर से क्वेश्चन पढ़ो गीतेश का ठीक है गीतेश तू फिर से क्वेश्चन पढ़ के आंसर करो हड़बड़ाता का है ते बर्ड फ्लू जो है H5N1 वायरस है इसको एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं क्या कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं किसको बर्ड फ्लू को और ये खासकर मुर्गियों में होता है ये पक्षियों में होता है मुर्गियों में नहीं ये अपने मरने लगते हैं ठीक है और H1N1 इसको बोलते हैं स्वाइन फ्लू फ्लू और ये फैलता है सुअर से सुअर स्वाइन फ्लू ये फैलता है सुअर से और बर्ड फ्लू फैलता है पक्षी से और ये आदमी में भी होता है इसमें आदमियों में भी ये फैल जाता है मौत निश्चित है ठीक है डिस्कशन विस्तारे से तो कर रहे हैं क्या विस्तार से कर दे पंकज बोलो कहां पर तुमको दिक्कत हो रहा है अब कितना विस्तार से करें बताओ ठीक है जीका एक वायरस होता है जीका वायरस और इसमें ये इसमें भी तेज बुखार वगैरह होता है अगर गर्भवती महिला को जीका वायरस हो गया तो उनके जो बच्चे होंगे उनके अंग सिकुड़ जाएंगे या आंख में असमानता होगा नॉर्मल आंख नहीं होगा सुनने में प्रॉब्लम होगा
तो ये जीका वायरस से होता है। किससे? जीका वायरस। क्लियर? चिकन खाने से नहीं होगा। ये बर्ड फ्लू जो है ये 70 डिग्री टेम्परेचर पर, सेंटीग्रेड पर आप उबालोगे ये खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर तो पानी ही उबलता है, शुद्ध जल। और जैसे ही उसमें मसाला और नमक मिलाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और 120-125 हो जाएगा। जिंदा रहेगा? नहीं जिंदा रहेगा। लेकिन ये है कि चिकन उकन लेने जाओ, जाओ अगर बर्ड फ्लू फैला है तो मास्क लगाओ, दस्ताना पहन के जाओ और साफ करो। ये आपके नाखून से भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। पंकज कमेंट नहीं किया, क्या विस्तार से कराएं? विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग, खुर पका और मुंह पका, फुट एंड माउथ जो रोग होता है पशुओं में, खासकर गाय वगैरह में होता है, तो ये किसके कारण होता है? उनको बुखार उखार लगने लगता है, ये लार टाइप का टपकने लगता है, हफनी शुरू हो जाएगा। आंसर करो। किसके कारण? वायरस के कारण, जीवाणु के कारण। कौन सा रोग? बैक्टीरियल रोग बताओ। टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया जिसको कोड बोलते हैं, टेटनस हो गया, कुकुर खांसी हो गया, टाइफाइड हो गया, बैक्टीरियल रोग है, हैजा हो गया, फंगस के कारण, बहुत सारे फंगस डिजीज है, रिंग वर्म हो जाएगा, दम्मा हो जाएगा फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, कालाजार, मलेरिया, ट्रिपैनोसोमा जिसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, ये सब आपको प्रोटोजोअल डिजीज है, फेरिया, एंटामीबा, जिंजिवाइलिस प्रोटोजोआ से होता है। रानी खेत बीमारी किससे संबंधित है? आंसर करो। रानी खेत बीमारी किससे संबंधित है? पोलियो किससे होता है? वायरल डिजीज है, कहीं कहीं वायरस देता है, वायरल डिजीज है। ले पोलियो तो कहीं कहीं देता है, सब जगह वायरस है देगा, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज पोलियो नहीं है। ये चीज को कौन किताब पढ़ते हो भाई, बताओ आंसर क्या सब किया है? मुर्गी से, मुर्गियों का ये रानी खेत है, ये रानी खेत उत्तरांचल में एक जगह है, वहीं से उत्पन्न होता है और ये मुर्गियों में छींक हो जाए, होने लगेगा, हफनी शुरू हो जाएगा, अब मुर्गियां सूत जाएगी, आ जैसे सूतेगी तो सदा के लिए सूत जाएगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लैट्रिन होने लगेगा। गांव में इसको चुनावा बीमारी बोलते हैं। तो ये वायरल डिजीज है, क्या है? वायरस से होता है, वायरस से होता है रानी खेत। रानी खेत किससे होता है? वायरल डिजीज है, वायरस से होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल का जवाब दो। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, चलिए विचार कीजिए, आप विचार करेंगे, निम्नलिखित पर विचार करो भाई। मानव शरीर में उर्विका फीमर सबसे लंबी हड्डी है, अब सही है कि गलत आप डिसाइड करो। हैजा रोग जीवाणु द्वारा होता है, एथलीट फुट
रोग विषाणु द्वारा होता है। चलो विचार करो, तो ऑल ऑल वाह, सब ऑल लिखता है, सब ऑल लिखता है। एको गो का आंसर सही नहीं है। चलो अब सुन लो, एक भी का जितने लोग आंसर किए हो किसी का सही नहीं है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? मनीषा का आया, गीतेश का आया, अंजना का आया, तो तू टिकी चैनल लिखा है 1 और 2, तो तू ऑल का है लिखा है। अब सबका आया, अजीत है कि नहीं है, अब सबका आंसर सही आया। इसी तरह तू लोग एग्जाम में पढ़ता कम है और तुरंत हड़बड़ा के आंसर करता। ये सही है, 2 नंबर सही है। ये एथलीट फूट जो है ये वायरस से नहीं होता, किससे होता है? कवक से होता है, और कवक का नाम है ट्राइको फाइटन कवक। से जो लोग धावक होते हैं उनके नीचे पैर में अंगुली के नीचे ये लाल लाल हो जाता है चकत्ता चकत्ता, उसी को एथलीट फुट बोलते हैं, और पसीना से ये होता है, और ये कवक के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं सर, डी कैसे होगा? पंकज लिखा है डी, 2 और 3, 3 कैसे होगा? चला एक ही मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी हड्डी नहीं है पंकज, वो गलत है। आए इसमें तो ऑल एको गहले नहीं है, डी में 2 और 3 तू लिखा हुआ है, तो ये तो 1 नंबर गलत हो गया, और 3 नंबर तभी तो विषाणु से होता है। एथलीट फुट, एथलीट फुट जो धावक होते हैं जूता मोजा पहन के दौड़ते हैं उनमें होने वाला रोग है, एक कवक से होता है, ये गलत है 3 नंबर ऑप्शन। इसका आंसर ए होगा। ना तू कहता है कि विस्तृत डिस्कशन कीजिए। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारी में किया जाता है? आंसर करो, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? आंसर कीजिए, आंसर करो भाई। डीपीटी का फुल फॉर्म याद है, आंसर आसानी से हो जाएगा। ये आपको डीपीटी डिप्थीरिया फी से पर्टुसिस और टेटनस, क्या होगा? टेटनस, इसको ट्रिपल एंटीजन भी बोलते हैं, ट्रिपल एंटीजन। क्या बोलेंगे? ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं। 3 बीमारी के लिए दिया जाता है, और ये जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, तुरंत जन्म हुआ तुरंत सारा वैक्सीन पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल में जन्म होगा 3-4 घंटे के अंदर तुरंत तुरंत सब 4-5 वैक्सीन पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, कौन है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक यानी प्रति जैविक। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है। कौन है? चलो अब देखो, ये पेंसिलिन भी एंटीबायोटिक है और सल्फाडाइजिन भी एंटीबायोटिक्स है, लेकिन यहाँ तो हम 4 ऑप्शन लिए हैं, तो आप ए नंबर लगाएंगे। लेकिन जब आप टीचर में बीपीएससी दीजिएगा तो ये पेंसिलिन और सल्फाडाइजिन दोनों को लेके लगाइएगा, 4th ऑप्शन 1 से अधिक अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तब। ए भी एंटीबायोटिक है और ए भी एंटीबायोटिक है, ठीक है, और ये दोनों एस्प्रिन और पैरासीटामोल दर्द निवारक दवा है। ठीक है,
आपका कमेंट नहीं जा रहा है ओम प्रकाश कुमार यादव, तो अभी कैसे आ गया कमेंट? पार्वती कुमारी, आज रास्ता भटक गई क्या पार्वती? और पार्टनर तुम्हारा याद आ गया होगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, टिटनेस नामक रोग निम्न में निम्न नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस को अन्य नाम से भी जानते हैं, आंसर कीजिए। टिटनेस को अन्य नाम से भी जाना जाता है, आंसर कीजिए। कल से रेगुलर क्लास में प्रेजेंट होगा सब, चलो। इसको बोलते हैं लॉक जॉ, ये क्या होता है? जबड़ा जो है लॉक हो जाता है, क्या होता है? लॉक जॉ। अगर टेटनस हो गया तो इसमें एटीएस एटीएस का इंजेक्शन लगता है, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी टेटनस सीरम। चलो, तो सिवाय एक को छोड़कर सब बीमारी वायरस का कारण होता है, आंसर करो तो कौन सा होगा? ते आत्र ज्वार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइफाइड। क्या बोलेंगे? टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड, जिसको आत्र ज्वार भी कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बीसीजी का टीका किसमें दिया जाता है? तो टीवी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस टीवी के लिए दिया जाता है। और ये नवजात शिशु को कितने दिन के बाद लगता है? कब लगता है, आंसर करो तो। बीसीजी का टीका कब लगता है, आंसर कीजिए। आंसर करो, चेला जन्म के तुरंत बाद, ये 6 माह 7 दिन 48 दिन नहीं, जन्म के तुरंत बाद 4-5 इंजेक्शन लगता है, वैक्सीन टीका पड़ता है। छिछले हैंडपंप यानी कम लेयर का पानी पीने से, कम लेयर का पानी पीने से वाले लोगों में नीचे लिखे रोगों के होने की संभावना है, यानी एक वो बीमारी छोड़कर बाकी सब बीमारी होगा, तो कौन सा बीमारी नहीं होगा? यानी छिछले का मतलब कर रहा है गंदा पानी के सेवन से कौन बीमारी नहीं होगा, आंसर कीजिए। आंसर करो तो भाई, अभी 12 में है 14। अब देखो कौन सा होगा, तो फ्लोरोसिस या जल में फ्लोरीन की अधिक मात्रा हो जाने के कारण होता है, किसके कारण? तो फ्लोरीन की अधिकता के कारण होता है, किसके कारण? फ्लोरीन की अधिकता के कारण। यह हैजा जानते हो गंदा पानी से होता है, टाइफाइड गंदा पानी से, कमला यानी जॉन्डिस गंदा पानी से,
तो छिछले हैंडपंप से तो गंदे पानी निकलेगा, तो ये फ्लोरोसिस रोग को छोड़ के बाकी ये तीनों रोग होंगे। क्लियर? लास्ट सूची एक को सूची दो से मिलाइए, तो जल्दी से सूची एक को सूची दो से मिलाइए। जल्दी मिलाइए। सूची एक को सूची दो से मिलाइए। अब देखो प्लेग किससे होगा, तब पिस्सू से। चूहा, चूहा फैलाता है पिस्सू। फाइलेरिया मच्छर के काटने से क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। बेरी बेरी विटामिन की कमी, की कमी से B1 की कमी से एक्चुअल में क्या होगा, विटामिन B1 की कमी से। और टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है, जिसको आंत्र ज्वार भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक का दो और बी का तीन, सी का चार और डी का एक, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, आप जल्दी से जुड़ जाइए। रमोद सर बायोलॉजी, और यहाँ से अपना अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं डिजीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, धन्यवाद।